ग्वालियर टिकट कटने पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत का बयान सामने आया है। रणवीर रावत पूर्व विधायक रहे हैं, बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी से सबलगढ़ से टिकट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने सरला रावत को टिकट दिया। ऐसे में रणवीर रावत के बेटे आदित्य रावत ने फेसबुक पोस्ट पर पिता की टिकट कटने पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। रणवीर रावत की नाराजगी की खबरें भी सामने आई, लेकिन अब मीडिया से बातचीत में रणवीर रावत ने पार्टी से नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपने बेटे के फेसबुक पोस्ट पर भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया है। रणवीर रावत नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं, हालांकि कुछ देर पहले उन्हें मनाने के लिए संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर ने अकेले में रणवीर रावत से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ पोस्ट में कुछ ऐसा है नहीं, मुझे जो लगता है अभी मेरे को फोन नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखिए नहीं, ठीक है, ये देखो मैं ये इस बात को नहीं मानता। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को जवाबदेही देती है तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, उसने हटाई होगी, मतलब मुझे पता नहीं, जो मुझे अभी पता किसी ने फोन किया मेरे को, इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है।